मोटरोला जी 5G प्लस, मतलब काफी अटपटा सा नाम है ना, इतने सारे मतलब मेक्स प्रो अल्ट्रा सल्ट्रा रखने के बाद अब ये नाम मतलब काफी कमाल का है, दो बार जी। अब बेसिकली हमको इसमें तीन मेजर चीजें देखने को मिलती हैं, एक G4 मोटरोला की सीरीज है ये, जो हमको बिल्कुल पुश्तैनी सीरीज देखने को मिलती है मोटरोला के बहुत टाइम से, 5G कनेक्टिविटी जो हमको फ्यूचर प्रूफ बना देती है, और उसके बाद प्लस। अब प्लस, मैक्स, अल्ट्रा या फिर प्रो, ये सारी चीजें जब तक नहीं लगती है ना स्मार्टफोन में, तब तक लगता नहीं है कि भाई स्मार्टफोन की सारी चीजें ना बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। तो सभी फोनों में देखने को मिलता है, और वैसा ही बिल्कुल ये है मोटरोला G5G प्लस। आज इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में बहुत कम ही ऐसी कंपनियां हैं जो स्टॉक एंड्रॉइड को प्रोवाइड करती हैं, मतलब अपने अपने UI लेके आ चुकी हैं अलग अलग कंपनियां, मतलब अपना अपना कम्युनिटी बेस बनाने के लिए, नोकिया, मोटरोला और उसके बाद पिक्सल। हालांकि इंडिया में इतने सारे फोन लॉन्च नहीं करता है, लेकिन नोकिया और मोटरोला के फोन हमको स्टॉक एंड्रॉइड पे देखने को मिलते हैं इंडिया में, और आने वाला माइक्रोमैक्स भी इस गिनती में शामिल हो जाएगा बहुत बहुत जल्द, मतलब कल के कल ही। जहां मोटरोला और नोकिया की प्रोडक्ट स्ट्रेटजी की मैं आपसे बात करूं, तो यहां पे काफी कुछ कमाल काम नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत सा घटिया सा काम देखने को मिल रहा है हमको इंडिया में, अगर पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो। वहीं मोटरोला वापस ट्रैक पे आ रहा है, मोटरोला वन फ्यूजन प्लस निकाला था, मोटरोला G9 देखने को मिला था, मतलब ये थोड़े से अच्छे प्रोडक्ट हमको देखने को मिले थे मोटरोला की ओर से, और अब ये आने वाला है मोटरोला G5G प्लस, जिसमें हमको काफी कुछ देखने को मिलेगा। इस वीडियो के चलते मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा, बेसिकली क्या कुछ खास हो सकता है इंडिया में, लॉन्च डेट क्या हो सकती है, क्या ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह लाइक्स का टारगेट 1000 का, और उसके बाद अगर आप चैनल पे नए आए हो तो मेरा नाम है रविंद्र, आप देख रहे हैं टेक मास्टर, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और उसके साथ कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले एज यूजुअल मैं आपसे बात करता हूं इसी मोटरोला G5G प्लस के बिल्ड, लुक एंड डिजाइन की। तो बेसिकली हमको बैक में प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है, प्लास्टिक बैक के साथ ही देखने को मिलेगा, आगे की तरफ हमको एज यूजुअल ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का हमको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ ड्यूअल पंच होल देखने को मिलता है, साइड माउंट एंड फिंगरप्रिंट है, और इसी के साथ एक डेडिकेटेड बटन है जिसके चलते हम गूगल असिस्टेंट का फायदा उठा सकते हैं, और इसी के साथ हमको मोटरोला के एक्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, लाइक हम रिस्ट को दो बार ट्विस्ट करेंगे तो हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा, या फिर सेक करेंगे फोन को तो उसके बाद टॉर्च ओपन हो जाएगा। और उसके बाद मैं बात करूं इसकी डिस्प्ले की, तो हमको देखने को मिलती है जो सैमसंग गैलेक्सी M51 में देखने को मिलती है 6.7 इंचेस की बिल्कुल बड़ी सी डिस्प्ले, वैसे ही सेम साइज में सेम है, लेकिन क्वालिटी में हमको यहां पे IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन को लेकर आता है, और 90Hz की अडेप्टिव हाई रिफ्रेश रेट को लेकर आएगा। अब यहां पे ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इस प्राइस रेंज में आना बहुत छोटी सी चीज है, यहां पे हमको ऑलरेडी जैसे Realme 6 जैसे फोन अभी हमको सेल में देखने को मिल रहे हैं 9999 की प्राइस रेंज में, जिसमें हमको 90Hz की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है IPS LCD डिस्प्ले के साथ। और उसके बाद मत करो इसकी ताकत की, तो यहाँ पे इसका मेन हमको थोड़ा सा एक जायका देखने को मिलता है, बेसिकली ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 के ऊपर बेस्ड है, जिसके चलते ये एक 5G कनेक्टिविटी को लेके आता है, मतलब 4G तो है ही है, 4G के साथ 5G कनेक्टिविटी को लेके आता है, तो ये काफी कमाल की चीज है। अब मैंने 4G वाला नाम यहाँ पे इसलिए बोला कि कुछ लोग नीचे कमेंट में देखने को मिले थे कि जैसे भाई ऐसे 5G आ जाएगा उसके बाद 4G बंद हो जाएगा क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, 5G अलग कनेक्टिविटी, जैसे 3G आया था उसके बाद 4G आया उसके बाद 5G आया, तो जैसे जैसे आगे आएगा से चलते ऐसा नहीं है कि पीछे वाले बंद हो जाएंगे, तो सीन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके चलते हमको देखने को मिलता है ये 2.3 GHz क्लॉक्ड 5G कनेक्टिविटी को तो लेके आता ही आता है, स्टॉक एंड्रॉइड है, और ये देखने को मिलता है हमको 4GB 64GB और 6GB 128GB पे बेस्ड। अब यहां पे आप 4GB वाला RAM वेरिएंट भी लेते हो तो यहां पे क्यों, चूंकि एक स्टॉक एंड्रॉइड पे रन कर रहा है तो इतनी ज्यादा बैकग्राउंड में हमको RAM कंज्यूम होती हुई नहीं देखने को मिलेगी, मतलब स्टॉक एंड्रॉइड के साथ RAM मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा होता है एज कंपेयर टू किसी अलग कंपनी के UI के। और उसके बाद हम बात करें इसके कैमराज की, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, जिसके चलते जो प्राइमरी कैमरा है वो ओबेसी बात है 48 मेगापिक्सल का है, F1.7 का अपर्चर लेके आता है, और उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, और उसके बाद 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। ये अपने साथ 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। और बात करूँ सेल्फी की, तो यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे दो हमको पंच होल देखने को मिलते हैं, जिसके चलते जो प्राइमरी कैमरा शूटर है वो हमको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का, और उसके बाद दूसरा कैमरा है वो हमको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का। तो बेसिकली इस प्राइस ब्रैकेट में हमको एक डिसेंट सी कैमरा क्वालिटी भी ये प्रोवाइड कर देने वाला है। और उसके बाद हमको 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा, USB टाइप सी देखने को मिल जाएगी, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और इसी के चलते NFC का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये कॉमन सी चीजें हैं। और उसके बाद बात करूँ आपसे बैटरी की, तो यहाँ पे बड़ी सी एक 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जिसके चलते इसमें 20 वोल्ट की
टर्बो चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करूं सारे स्पेसिफिकेशन जिस चीज पे बेस्ट होते हैं और वो होती है प्राइस। यहाँ पे यूरोपियन मार्केट में ये लॉन्च हुआ था 324 यूरोज, मतलब ऑलमोस्ट ये प्राइस निकल के आती है 28,000 के लगभग, लेकिन ये इंडिया में हमको ऑलमोस्ट 25,000 की प्राइस रेंज के लगभग देखने को मिल जाएगा, अंडर 25 ही देखने को मिलेगा। और बात करूं अभी इसके लॉन्च की, तो जैसे ही हमको ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर देखने को मिलते हैं साल के लास्ट महीने, उनमें सारी कंपनियां एकदम दबदबा मचा देती हैं लॉन्च इवेंट्स का। वहां पे हो सकता है कि हमको इसी मोटोरोला का भी ये फोन देखने को मिल जाएगा, मोटोरोला G5G प्लस या फिर मोटोरोला G5G, दोनों ही फोन, दोनों में से कोई भी फोन हमको दिसंबर के लास्ट तक देखने को मिल सकता है, ऐसे सॉलिड रूमर्स हैं। तो ये है कहानी इसी फोन की। बाकी आपका क्या कहना है इसी मोटोरोला G5G प्लस के बारे में, आप इसके बारे में वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बेसिकली बहुत सारे फोन आने वाले हैं, जैसे रियलमी X7 सीरीज आने वाली है, रेडमी X सीरीज आने वाली है, मतलब बहुत सारे 5G फोन होंगे। तो आप में से कौन से 5G फोन का वेट कर रहे हो, और अगर इसी मोटोरोला G5G प्लस के लिए कर रहे हो तो कौन सी चीज आपको इसमें बेस्ट लगती है, या फिर मोटोरोला की ब्रांडिंग से ही आपको खतरनाक वाला प्यार है? बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एज यूजुअल वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हैव अ फैंटास्टिक डे, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।